हमीरपुर जिला के अवादेवी क्षेत्र में स्थित अवादेवी मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी श्रद्धा है, जिसके चलते मंदिर में आए दिन दर्जनों श्रद्धालु मंदिर में शीश नवाने पहुंचते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इसकी छत से बरसात के समय पानी टपकना शुरू हो जाता था, लेकिन अब मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काम शुरू किया गया है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि अवादेवी मंदिर का जीर्णोद्धार दक्षिणी भारत में बने मंदिरों के प्रारूप के अनुसार किया जा रहा है, जो कि देखने में अद्भुत नजर आएगा। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए श्रद्धालुओं द्वारा मदद की जा रही है, जिसके अंतर्गत मंदिर कमेटी के पास लगभग 14 लाख रुपए जमा हो चुका है। अवादेवी मंदिर कमेटी के प्रधान बख्शीराम गुलेरिया ने कहा कि मंदिर की छत से पानी टपकना शुरू हो गया था, जिसके कारण मंदिर की छत को तोड़कर पुनः बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर को साउथ पैटर्न के साथ तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार में श्रद्धालुओं द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है, इसमें किसी संस्था व सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 14 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं। इधर मैं कुछ पानी वगैरह टपक रहा था और दूसरा हमारी जो टाइलें लगी थी, मार्बल था, वो मार्बल नीचे गिर रहा था और हालात ऐसे हो गए थे, करीब साल अगर हम इसको रिपेयर नहीं करते या इसका काम रिनोवेशन का काम नहीं करते तो कुछ नुकसान हो सकता था। इसलिए हमारी कमेटी ने फैसला किया मार्च में कि बरसात से पहले हम लोगों को ये काम शुरू कर देना चाहिए। कमेटी का फैसला लेने के बाद ये मैसेज लोगों तक गया और हम लोगों ने इसको इसका एक काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने इसको साउथ पैटर्न के ऊपर इसको तैयार कर रहे हैं और इसके लिए लोगों ने भरपूर पैसा दिया। इसके लिए कोई किसी का गवर्नमेंट का या किसी संस्था से हमने पैसा नहीं लिया है, लोगों ने ही आगे आकर बहुत पैसा दिया। हमारे पास तकरीबन 14 लाख रुपये इकट्ठा हो गया है इस काम के लिए और ये सब भक्तों ने दिया है। हमारा ज़्यादा कोशिश थी कि हम इसको दिसंबर के पहले हफ्ते तक कवर करते, लेकिन कुछ देरियां हो गई हैं। उम्मीद है हम जनवरी के पहले हफ्ते तक इसको बिल्कुल तैयार 100% तैयार कर देंगे। बख्शीराम गुलेरिया ने कहा कि मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मंदिर के प्रांगण में चबूतरे का निर्माण भी किया गया है, जो श्रद्धालुओं को खासा पसंद आ रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर सर्दियों में धूप का आनंद ले रहे हैं तो कुछ फोटो इत्यादि खींच रहे हैं। ये एक कॉर्नर में पड़ता था, जब भी हमारे प्रोग्राम होते थे या लोग बैठना चाहते थे उनको एक ऐसी जगह थी कि वो चारों तरफ की सीनरीज को देख सके। हमारी कमेटी ने विचार किया इसके ऊपर और उसके बाद इसको बनाया है। आज हर श्रद्धालु यहाँ जाकर फोटो शूट करता है, चारों तरफ देखता है, परिवार आते हैं वहाँ पर अपना टाइम व्यतीत करते हैं और ख़ासकर जब हमारे प्रोग्राम हो जाते हैं या कोई हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देना है तो हमें अलग से स्टेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज का काम भी दे रहा है और एक सुंदरता को भी इससे बढ़ने से सुंदरता भी बढ़ी है मंदिर की। बख्शीराम गुलेरिया ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। मंदिर में स्थापित घंटियों को कपड़े से बांध दिया गया है। मंदिर की पौड़ियों को दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। वो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जाती है और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मूर्तियों पर प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल निषेध है। कोरोना से बचने के लिए हम लोगों ने घंटियों के ऊपर कपड़े लगा दिए हैं, सख्त मना है, उनको यूज़ नहीं किया जाएगा। जो हमारी पौड़ियाँ हैं उनको दिन में 3 से 4 बार हम लोग सैनिटाइज करते हैं। प्रसाद अंदर ले जाना बिल्कुल मना है, हम प्रसाद को बिल्कुल अंदर अलाउ नहीं करते। हर श्रद्धालु को सैनिटाइज करते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद ही उसको अंदर अलाउ करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी श्रद्धालु जो है बिना सैनिटाइज करके अंदर ना जाए और ना ही वो मूर्तियों से हाथ लगाए और ना ही घंटियों से हाथ लगाए। बख्शीराम गुलेरिया ने कहा कि मंदिर में हवन कुंड का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य के लिए जो गांव की महिला ने 1,51,000 रुपए भेंट किए हैं। हम लोग हवन कुंड का भी यहाँ पर आग्नेय कोण में निर्माण कर रहे हैं, बहुत शॉर्टली 2-3 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए जौ से एक मैडम ने 1,51,000 इसी नाम पर दिया है और हमने उसके लिए कमेटी फ्रेम कर दी है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, 2-3 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। साथ में ही हमारे जो साथ में मंदिर है बाबा बालकनाथ जी का, बाबा देवसिद्ध का जो मंदिर है, उसका काम भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसी एतवार 9 तारीख को हम लोग इसका काम शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसको भी लेटेस्ट तरीके से, साउथ तरीके से, या जैसे बाबा देवसिद्ध की गुफा वगैरह बनी है उस हिसाब से हम उसको तैयार करें।
इसमें मैं यहाँ पर बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि हमारा सहयोग बगवाड़ा पंचायत, खासकर हमारी बगवाड़ा पंचायत के जो प्रधान हैं, प्रधान महोदय, वकील महोदय का हर टाइम हमारे साथ रहता है। कोई NOC लेनी है, किसी भी टाइप के लिए कहीं जाना है, ऑफिस में जाना है, वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। हमारी पूरी कमेटी तहे दिल से उनका धन्यवाद करती है। बख्शीराम गुलेरिया ने कहा कि मंदिर में पौड़ियां ना के बराबर थी, जिसके बाद कमेटी की सहमति से 12 फीट लंबी पौड़ियों का निर्माण किया गया, जिसके लिए गांव संदोट के डॉक्टर रणधीर पाल ने सहयोग राशि भेंट की थी। उन्होंने कहा कि अब पौड़ियों पर शेडिंग बल्ब लाइटें लगाई जाएंगी, जिसके लिए डॉक्टर रणधीर पाल ही सहयोग करेंगे। ना के बराबर थी पहले, कहीं 2 फीट कहीं 3 फीट चौड़ी थी। तो हम लोगों ने इसका कमीटिंग का अरेंजमेंट किया, जिसमें 8-10 पंचायतों के जो हम बोल सकते हैं जो क्रीम पर्सनलिटीज़ को बुलाया गया, और जो हमारे सामने वाली पार्टीज और मंदिर कमेटी सब ने बैठ कर डिसाइड किया कि ये 12 फीट कम से कम चौड़ी होनी चाहिए। हमारे पास पैसे की उस टाइम कमी थी, फिर हमारे एक सज्जन सामने आए, डॉक्टर रणधीर पाल, जो कि सदोट के रहने वाले हैं, अमेरिका में जॉब करते हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने ये 12 फीट पौड़ियाँ गेट के साथ तैयार की हैं। इस पर तकरीबन 21 लाख रुपया खर्च आ चुका है। हमारा अगला है इनका पौड़ियों का कि इसके ऊपर हमने शेडिंग करनी है, वो भी वही सज्जन पैसा देंगे। शेडिंग है, लाइटिंग है, उसके बाद कैमराज फिट वगैरह करने हैं, वो सब वही सज्जन दे रहे हैं सर।